Assalamualaikum everyone, welcome to Riya Kitchen. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे. आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े खतरनाक से बारबेक्यू राइस, वो भी मेरे स्टाइल में. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले. वीडियो अच्छी लगे लाइक करें. अच्छा, मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च हैं. मैंने इस तरीके से उनको भिगो के रखा हुआ है. हम अपनी बारबेक्यू सॉस बनाएंगे सबसे पहले. तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसको भिगो दिया था गर्म पानी के अंदर. ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको कट करना है. अच्छा देखिए, मैंने ये काट ली है सारी इस तरीके से, ठीक है. अब मैं इनको थोड़ा चॉप करूंगी. थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ, यही वाला जो मैंने भिगोया था, बिल्कुल बारीक सा. मुझे अच्छा सा इसका पेस्ट बनाना है. ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ गार्लिक के जवे हैं, तकरीबन 5 जवे हैं, और हाफ टुकड़ा मेरे पास अदरक का है. मैं ये इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छा सा मैं चॉप करूंगी. देखिए, मैंने सारी चीजों को इस तरीके से चॉप कर लिया है. आपको और करीब से दिखा देती हूँ. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास चिकन है, ठीक है. ये मेरे पास 5 pound चिकन है. मैंने इसके इतने पीस कराए हैं, थोड़े से थिक पीस है. और हमने क्या करना है, इसको इसमें शामिल करना है. सारा मिला देंगे, थोड़ा सा रोक लेंगे, मुझे आखिर में सॉस चाहिए बनाने के लिए. यहाँ पे मेरे पास 3 tablespoon लेमन का जूस है. यहाँ पे 1 teaspoon जिंजर एंड 1 teaspoon गार्लिक है, वो डाल देंगे. यहाँ पे कुछ और चीजें हैं वो आपको बता देती हूँ. 1 teaspoon सॉल्ट है, 1 teaspoon जीरा पाउडर एंड 1 teaspoon गार्लिक पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर एंड 1 teaspoon ऑनियन पाउडर, वो मैं इसमें डाल दूंगी. और हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे. अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी बोटियों के ऊपर बड़ी अच्छे से जो है सारा मसाला चढ़ा लिया है, ठीक है. यहाँ पे मेरे पास एक प्लास्टिक की शीट है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे कवर करके इसको एक साइड पे रख दें. अच्छा, इसके लिए हम अपने राइस बॉईल कर लेंगे. बॉईल करने से पहले हम पानी को गर्म करेंगे. ओके, हमने स्टोव ऑन कर लिया है. यहाँ पे हम सॉल्ट डालेंगे, 3 teaspoon सॉल्ट डाल देते हैं यहाँ पे इस टाइम पे. मैं येलो राइस बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं 1/2 teaspoon हल्दी डाल रही हूँ, पिसी हुई हल्दी. यहाँ पे मेरे पास 1/2 lemon है, वो डाल दूंगी. इससे राइस जो है बड़े खिले खिले से बनेंगे, डिफरेंट, अलग अलग, बिल्कुल ज्वाइन नहीं होंगे एक दूसरे से. यहाँ पे 1 teaspoon ऑयल डाल देते हैं. चलिए अब हम लिड कवर करते हैं और अपने राइस के पानी को बॉईल कर लेते हैं. अच्छा, हमने क्या करना है, जब तक हमारे राइस हो रहे हैं हम अपनी वेजिटेबल्स थोड़ी डालेंगे उसके अंदर. हम वेजिटेबल्स को अपने फ्राई कर लेते हैं. हमने अपना पैन प्री हीट कर लिया है. यहाँ पे मेरे पास 1 cup वेजिटेबल्स हैं. थोड़ी सी मैंने ऑनियन काटी हुई है, रेड मिर्चें हैं, बेल पेपर एंड ग्रीन बेल पेपर. पॉट में डाल के अच्छा सा इसको फ्राई कर लेते हैं. थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 3 tablespoon ऑयल डाल देते हैं. ये मेरे पास गरम मसाला है, 1 teaspoon वो डाल रही हूँ इसके ऊपर. 1 teaspoon गार्लिक है, वो डाल रही हूँ. 1 teaspoon मैंने सॉल्ट डाला है. 1/2 teaspoon मेरे पास गार्लिक है. अगर आप गार्लिक लवर हैं तो यकीनन आप गार्लिक पसंद करते होंगे. अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 minutes ऑलमोस्ट, मैं इनको हल्का सा सौते करूंगी. अच्छा देखिए, मेरी वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई हैं. यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से इसको कुक कर लिया है. अब मेरे पास 1 cup कैबेज है, मैं वो डाल दूंगी इसमें और तकरीबन मैं इसको 2 minutes में डन करूंगी. देखिए यहाँ पे ये बड़े अच्छे बन के रेडी हो गया है और हमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहा है. अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट कर लेंगे. अच्छा देखिए, यहाँ पे मेरा पानी राइस के लिए बड़ा अच्छा सा बॉईल हो गया है. अब हम क्या करेंगे, इधर मेरे पास राइस है, ये मैंने सोक किए हुए 3 hours पहले. ये 2 cup राइस है
ओके मैं इसमें डालती हूँ, इसको अच्छे से बॉईल करती हूँ। ओके अभी मैंने दोबारा से इसको प्री हीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी चिकन बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस पर, 3 टीस्पून डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी चिकन है, और उसके बाद हम अपनी चिकन इसमें शिफ्ट करेंगे। देखिए मैंने अपनी सारी चिकन इसमें डाल ली है, ये मैं इसको कुक करती हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे राइस बड़े अच्छे से रेडी हो गए हैं। मैंने क्या किया है, इसका पानी ड्रेन कर लिया। अब मैं 1 टीस्पून इस पर ऑयल डाल रही हूँ और इसको मैं दम पे लगा के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। देखिए मैं अपनी चिकन को दिखा देती हूँ, मेरी चिकन में से पानी निकला था, मैंने पानी काफ़ी ड्राई कर लिया है इसका। अभी ये इस तरीके से कंडीशन में आ गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास हाफ लेमन है, हमने जब मैरिनेट किया था तब भी लेमन डाला था, इस टाइम पे भी हम लेमन डालते हैं, बड़ा अच्छा सा लेमन का बारबेक्यू में टेस्ट आता है। इसके ऊपर यहाँ पे 2 टेबलस्पून हम ऑयल डाल देंगे। इसको मज़ीद नहीं पकाना है, इसका स्टोव हम बिल्कुल वार्म पे कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास कोयला है, मैंने इसको इस तरीके से एलुमिनियम फॉइल की टोकरी सी बना ली छोटी सी, उसमें रख दिया है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे बीच में रख देती हूँ, इसमें 1-2 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं और इसको कवर कर देते हैं। अच्छा मैंने क्या करना है, अपनी सॉस बनानी है राइस के ऊपर डालने के लिए। तो हमने जो बनाया था शुरू में शिमला कश्मीरी मिर्च का पेस्ट, वो डाल देंगे इस टाइम पे इस पर। और यहाँ पे मेरे पास मेनिस है, ठीक है, अब मेनिस डालेंगे इसके अंदर। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमें इसको लिक्विड ही चाहिए, ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं अपनी चिकन दिखा देती हूँ आपको। वाह वाह वाह, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हम इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया है और हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास प्लेट्स हैं यहाँ पे ट्रे, इसमें हम अपने राइस डालते हैं। देखिए मेरे राइस मैंने अपनी ट्रे में सर्व कर लिए, अब मैं इसमें वेजिटेबल डालूंगी इसके ऊपर। हम चिकन इस पर डालते हैं अपनी। मेरे पास यहाँ पर तिल है, मैं तिल डालूंगी इसके ऊपर। थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देते हैं ऊपर, अच्छा लगेगा ग्रीन ग्रीन सा। इस पे सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, मेरे बारबेक्यू राइस इस तरीके से माशाल्लाह से बनके रेडी हुए हैं। इसका ऐसे लुक आया है। यह हमारा पचा हुआ वेजिटेबल है, साइड पर रख दिया, जिसको चाहिए वो ले लेगा। ये सॉस है, यहाँ पे हमने सलाद बनाया है अच्छा सा ग्रीन सा। ये एवोकाडो का पेस्ट बनाया है, ये हमारा बचा हुआ चिकन है जो हमने बारबेक्यू चिकन बनाया। हमारे बारबेक्यू राइस बनके रेडी हो गए हैं। प्लीज इस डिश को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अब चलती हूँ, दोबारा लौट के आऊंगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।